#BoycottLalSinghChaddha #BoycottRakshaBandhan बायकॉट वाला ट्रेंड इज स्टिल गोइंग ऑन और इस ट्रेंड से काफी मूवीज को असर पड़ रहा है। हाय दिस इज भारती एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड और मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई अपडेट लेकर। वेल आए ही दिन हमारे बॉलीवुड एक्टर्स इस बायकॉट कल्चर को लेकर कोई ना कोई रिएक्शन देते ही रहते हैं और अब एक और रिएक्शन आ गया है हमारी वेटरन एक्ट्रेस शेफाली शाह का। शेफाली शाह को हमने दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में देखा था। वेल इसी सीरीज को प्रमोट करते हुए शेफाली ने कहा है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मीडिया के ये पूछने पर कि क्या जिस बॉलीवुड को हम जानते हैं इस ट्रेंड की वजह से वो खत्म हो जाएगा, तो शेफाली ने ये कहा कि फिल्म्स क्रिकेट की तरह एक कल्चर है और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। लोगों के अपने एक पॉइंट ऑफ व्यूज है, लोगों का अपना एक ओपिनियन है, वही लोग जहाँ पे ये ट्रेंड चला रहे हैं वही हमारे काम को काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा हमें अपनी स्ट्राइड पर फोकस करना चाहिए, बिना किसी रिजल्ट के हमें मूव ऑन करना चाहिए। वही बात करें दिल्ली क्राइम्स की तो दिल्ली क्राइम्स को लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया था, इवन की सीरीज ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड भी जीता था। वही बात करें शेफाली की तो शेफाली को इस सीरीज से काफी ज्यादा प्यार मिला था। लास्ट शेफाली हमें देखने को मिली थी आलिया भट्ट के साथ मूवी डार्लिंग्स में। आपको इस अपडेट के बारे में क्या विचार है हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।